एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज दिन है फ्राइडे का और सुबह के कामों से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी पार्लर, और अब पार्लर वाले को भी पता चल गया कि ये तभी आती है जब इसने कहीं जाना होता है, तो ऐसा ही है। कल हम लोग किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, सो मैंने सोचा कि आज पार्लर जाके सर्विसेज वगैरह लेके आती हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ही लेज़ी होते हैं, जिसमें कुछ भी करने का दिल नहीं करता, तो आज का जो दिन था ना वो ऐसा ही था। मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, स्पेशली कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ से आके मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम लोग बाहर से लंच कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हालांकि आज मेरा प्लान था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, और जो आज मैंने रेसिपी शेयर करनी थी ना आप लोगों के साथ, वो सारी जो है वो मैंने कटिंग वगैरह चॉपिंग करके मैंने रख दी थी, ताकि आज जो है ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, क्या करती। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोगों ने तुर्किश चिकन ऑर्डर कर लिया था, जो कि हम चारों को बहुत ही फेवरेट है और अक्सर हम लोग खाते रहते हैं। रात को हम लोग गए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो जो सारा सामान था वो तो मैंने रात को अपनी जगह पे रख लिया था, लेकिन आटा और चावल रहते थे अभी, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं ना दोनों, वो मैंने रात को ही वॉश करके रख लिए थे, तो गीले थे वो। सो अभी ये दोनों अच्छे से ड्राई हो गए हैं, सो मैं आटा और चावल दोनों इनमें डाल के वापस रख दूँगी। कम स्पेस में स्टोरेज के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो ना, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में हो और लेंथ वाइज भी लंबी हो, ताकि स्पेस भी कम लें और उसमें चीज़ें भी हम अच्छी खासी रख सकें। ये दोनों बॉक्सेस हैं ना, ये मैंने लिए थे होम सेंटर से, और ये इतनी कम स्पेस लेते हैं, लेकिन इसमें मैं तकरीबन 7 to 8 kg जो है चीज़ें वो मैं आराम से रख लेती हूँ। सो आटा चावल दोनों को मैंने फिल कर दिया था, और अब इनको मैं वापस रखूँगी अपनी जगह पर। अभी तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे थे, और मंसूर किसी काम से निकले हुए थे बाहर, और जीनिया लियाना भी उनके साथ ही गई थी। सो मैंने सोचा कि शाम की चाय के लिए बहुत ही इजी सा झटपट सा कोई केक बना लेती हूँ, और इसमें चीज़ें भी बहुत कम डलती हैं, बनता भी बहुत मज़े का है। मैं बनाने वाली हूँ ओरियो केक। सबसे पहले मैंने 25 ओरियोज़ लिए थे, उनको मैंने पहले ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। 1 कप मैंने मिल्क लिया था, और उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 1 tablespoon के करीब बेकिंग पाउडर, और उसको मैं ऐड कर रही हूँ मिक्सचर में। मिक्सचर में डालने के बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जो बैटर है वो काफ़ी थिक हो गया है, सो मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही मैंने दोबारा से इस पर मिल्क ऐड किया था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बैटर में दूध और बेकिंग पाउडर के अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना। और अब आती है बेकिंग के बारी। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो इसलिए मैंने बटर को जो है ना अच्छे से ग्रीस कर दिया पैन पे। ऐसे ढेर सारा बटर लगाने से जो केक है ना बेक होने के बाद नहीं चिपकता। सारा मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी और अच्छे से डैप टैप कर दूँगी, ताकि अंदर कोई भी बबल्स वगैरह बने हुए तो सारे वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने जो पैन लिया है ना, ये मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले ही इसको मैंने गरम होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं ना, इसी तरह हम इस जो पॉट को भी प्रीहीट करेंगे। और पॉट के नीचे मैंने छोटा सा एक लिड रख दिया, क्योंकि मेरे पास कोई छोटा स्टैंड नहीं था, और उसके अंदर मैं ये जो मैंने केक का बैटर रेडी किया था वो मैं इस पर रख दूँगी। और तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगते हैं केक को बनते हुए मीडियम से लो हीट पर। सो यहाँ पे केक अच्छे से बेक हो गया, और मैं टूथपिक्स से इसको देख रही हूँ कि ये अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद ये अभी थोड़ा सा गर्म है, सो इसको पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद जो है नाइफ की हेल्प से इसकी साइड्स वगैरह मैं सेपरेट कर दूँगी, और फिर बस उसको उलट दूँगी प्लेट पर। सो ये है हमारा केक। ये इतना सॉफ्ट बनता है, इस को आप ओरियो केक कह सकते हो, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ब्राउनी जैसा होता है, तो मैं तो इसको ब्राउनी ओरियो ब्राउनी ही कहूँगी। और अब जो है मैं बहुत ही सिंपल सी इसके ऊपर डालने के लिए गनाश रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्रीम ली है, 100 ग्राम क्रीम ली है, और इसमें मैं 40 ग्राम्स की चॉकलेट्स ऐड कर रही हूँ। कोई भी डेरी मिल्क ले सकते हो, कोई भी चॉकलेट ले सकते हो जिसमें नट्स ना हो। और इसको कट करने के बाद मैं इसको क्रीम के अंदर रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए।
केक को ठंडा होने के लिए हम जब भी रखते हैं ना, तो उसको कभी भी प्लेट में नहीं रखना चाहिए, उससे केक काफ़ी सॉगी हो जाता है। तो उसको रख रही हूँ मैं स्टैंड के ऊपर। और यहाँ पे जीनिया इलियाना दोनों भी आ गई थी बाहर से, और यहाँ पे पता नहीं क्यों इसका मूड ख़राब था। खैर, जो गिनाश थी वो रेडी हो गई थी, और इसको मैं डाल दूंगी केक के ऊपर। गिनाश रेडी करने के लिए जो मैंने चॉकलेट यूज़ की थी ना, वो मैंने डार्क चॉकलेट, डार्क ब्लैक चॉकलेट यूज़ की थी। आप नॉर्मल मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं इस तरह ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। और यहाँ पे मैंने दो ओरियो बिस्किट लिए हैं, उसको मैं हाथों से ही अच्छे से क्रश करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ी सी सेटल हो जाए उसकी चॉकलेट। और तब तक मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है इलियाना, इसने जो मैंने गिनाश रेडी की थी ना, वो इसने खाई है और अपना फेस अच्छे से गंदा कर दिया। और ये जो पिक्चर्स है ना इसकी, शायद इसको सेटिंग नहीं पसंद, हर वक्त इसके साथ छेड़ती रहती है। इलियाना को ना बहुत सी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं टोकती हूँ। इलियाना बहुत सी चीज़ों में घुसती है, उसको चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन जो गलती मैंने इलियाना जीनिया की बार की, मैं इस दफ़ा रिपीट नहीं करना चाहती थी। जीनिया की बार मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट मदर थी, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे हो, हर वक्त मैं उसको समझाती रहती थी, ये सोचिए कि मेरा जो बच्चा है ना वो परफेक्ट बच्चा हो। तो मैंने ये नोट किया कि जीनिया जो है हर काम करने से पहले मेरी तरफ़ ज़रूर देखती है, मुझसे बार बार पूछती है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता अनइंटेंशनली मैं जीनिया का कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रही हूँ। सो हमें काफ़ी साल लगे जीनिया को दोबारा से अच्छे से कॉन्फिडेंट बच्चा बनाने में। सो मैंने इलियाना की दफ़ा वो गलती नहीं की। इलियाना माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट, और उसको पता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। तो खैर, जो केक है ना वो हम लोगों ने खा लिया था, बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे जो केक बचा था वो मैं रख रही हूँ वापस फ्रिज में। सो यहाँ पे ना डायरेक्टली मैं आप लोग को ले आई हूँ रात के टाइम पे। अभी तकरीबन 7 बजने वाले थे और हम लोग निकले हैं मथुरा सूक की तरफ। मथुरा सूक हमारे घर से काफ़ी दूर है, और ये जो है ना ओमान की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट है। कहते हैं कि ये तकरीबन 200 साल पुरानी मार्केट है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कल हम किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, और जीनिया ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया हुआ था। तो इसलिए इलियाना के लिए, जीनिया के लिए, दोनों के लिए मुझे ओमानी ड्रेस लेना था, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। सो जीनिया के लिए लिया था मैंने वाइट कलर का, और इलियाना के लिए लिया था मैंने ग्रीन कलर का। वॉइस ओवर करते हुए ना मेरा गला और मेरा नाक इस टाइम पे दोनों बिल्कुल बंद हैं। जैसे वॉइस ओवर मैं रुक रुक के कर रही हूँ ना, मुझे ही पता है, या आप लोगों को पता होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे। खैर, मैंने 2-3 दिन बहुत केयर की अपनी, गर्म पानी पिया, यखनी पी, ताकि मज़ीद गला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट जो है ना मैंने 1-2 दिन तक वॉइस ओवर करना है। तो ये देखिए मार्केट कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मुझे ये प्लेट्स जो थी ना बहुत मज़े की लग रही थी, मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम जाके लूँगी। उस टाइम पता नहीं देखा ही नहीं थी गौर से, अभी जब मैंने वीडियो बना रही थी ना, तब जब ये क्लिप मैंने देखा तो मैंने सोचा यार ये तो इस टाइप की प्लेट्स मैं कब से देख रही थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाके ये लूँगी प्लेट्स। खैर, हम लोगों ने मार्केट सोच से एक्सप्लोर की है। उसके बाद हम लोग चले गए थे वापस, वापस तो नहीं गए थे हम लोग, उसके बाद चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि दिन को आपको पता मैंने कुछ खाने को लिए बनाया नहीं था। सो मैंने सोचा कि रात को भी जो है ना बाहर से ही आज खा लेते हैं। फुल टाइम आज जो है मैंने छुट्टी ली किचन से। रात को डिनर में भी हम लोगों ने चिकन खाया था, जिंगर फॉर्म में और ग्रिल फॉर्म में, दोनों में हमने ऑर्डर किया हुआ था। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर चले गए थे और हमारा दिन जो है वो ख़त्म हुआ। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने आप लोग से कहा था ना कि जो हम फंक्शन पे जा रहे हैं, सो ये उस दिन का क्लिप है। मैंने सोचा था कि इसकी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बहुत बिल्कुल छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए, सो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर देती हूँ। हमारा ये जो फंक्शन था ना, सारा कल्चरल शो था, सारे पाकिस्तानी जमा थे। जीनिया के लिए जो कपड़े लिए थे वो उसको फिट आ गए थे, लेकिन इलियाना जो है ना थोड़ी सी चब्बी है, उसको कपड़े ही नहीं फिट आए जो मैंने उसके लिए थे ग्रीन कलर के। हालांकि लेंथ वाइज इक्वल थे, लेकिन अंदर ही नहीं जा रहे थे, उसको फिट ही नहीं हो रहे थे। सो उसको जो है ना मैंने ये पिंक कलर का फ्रॉक पहना दिया था, और इलियाना ने जो इंजॉय किया, इसने बहुत इंजॉय किया, और बस उसको ज़बरदस्ती बैठ के मैंने थोड़ा सा खाना खिलाया।
मोबाइल ओपन करके। और बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात कि वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़रूर लाइक करना, बेशक कमेंट करो ना करो, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। और हाँ, एक और चीज़ के मैंने जो है ना वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स भी शेयर किए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।